अब क्या है यूरिकोटेलिक एनिमल्स एक्सक्रीटरी वेस्ट के रूप में यूरिक एसिड यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है जबकि अमोनोटेलिक अमोनिया एक्सक्रीट करता है एंड यूरियोटेलिक यूरिया एक्सक्रीट करते हैं अब इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो देखिए यूरिकोटेलिक के एग्जाम्पल्स हैं यूरिकोटेलिक के एग्जाम्पल है बर्ड तो यहां पर बी फोर है बर्ड्स फोर इंसेक्ट्स आर फोर रेपटाइल्स एंड डी फोर डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान में रहने वाले एनिमल्स ये सभी यूरिकोटेलिक होते हैं इसके बाद अमोनोटेलिक अमोनोटैलिक इसके एग्जाम्पल्स हैं एक्वेटिक इंसेक्ट ए फोर अमोनोटैलिक एंड ए फोर एक्वेटिक इंसेक्ट ए फोर एक्वेटिक एमफीबियंस एंड बोनी फिसिस तो यह सभी एमोनोटेलिक के एग्जाम्पल्स हैं इसके बाद है, यूरियोटेलिक यूरियोटेलिक जो कि यूरिया एक्सट्रेट करते हैं इनके एग्जाम्पल्स हैं मेराइन फिसिस एम्फीबियंस एंड मैमल्स ये सभी यूरियोटेलिक होता है तो यहां से पूछा है अमोनिया कौन एक्सट्रेट करता है तो हमारा आंसर यहां पर होगा सी टेटपोल क्योंकि टेटपोल एक एक्वेटिक एम्फीबियन है एम्फीबियन है इसके बाद इन विच पार्ट ऑफ द एक्सक्रिटरी सिस्टम ऑफ मैमल्स यू कैन फर्स्ट यूज द टर्म यूरिन फॉर फ्लूड इट कंटेन्स यानी कि मैमल्स के एक्सक्रिटरी सिस्टम में हम यूरिन टर्म सबसे पहले कहाँ यूज करते है? हैं बाउमैन कैप्सूल लूप ऑफ हेन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या फिर यूरेटर तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल क्योंकि ये नेफ्रोन का लास्ट पार्ट होता है और यहां पे आते आते यूरिन हाईली कंसंट्रेट हो जाता है इसलिए पे blood जो glomerulus में आती है, उसे क्या कहते हैं तो इस तरह का होता है तो यहां पे एक आर्टरी आती है कुछ इस तरह से जो कि यहां ब्लड लेके आती है और ब्लड लेके जाती है तो जो आर्टरी यहां पर ब्लड लेके आती है उसे हम कहते हैं अफ्रेंट आर्ट्रियल Artriole, तो आर्टलेंट मीन अराइव आना तो इस याद रहेगा एंड एंड जो जो जाती है उसे हम कहते हैं तो यानी कि आने वाली, जाने वाली, से है, आने वाली तो हमारा D, इसके बाद नॉट एंटर इन टू द नेफ्रोन ब्लड का कौन सा कंपोनेंट नेफ्रोन में एंटर नहीं होता यूरिया वाटर ग्लूकोज या फिर प्लाज्मा प्रोटीन तो हमारा आंसर है डी प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में से प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर बाकी सभी मटेरियल नेफ्रोन में एंटर हो जाता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन द पार्ट ऑफ द नेफ्रोन इन परमेबल टू वाटर इज नेफ्रोन का कौन सा पार्ट वाटर के लिए इन परमेबल होता है तो देखिए हमारा नेफ्रोन कुछ इस तरह का होता है इसमें स्टार्टिंग में होता है पी सी टी देन लूप ऑफ हैं तो लूप ऑफ हैनले में भी दो पार्ट होते हैं डिसेंडिंग लिम डिसेंडिंग लिप एंड असेंडिंग लिप इसके बाद होता है डी तो देखिए यहां पे पी में नियर अबाउट सिक्सटी फाइव परसेंट री एब्जॉर्प्शन होता है जिसमें कि ग्लूकोज अमाइनो एसिड विटामिन एंड एंजाइम का कंप्लीटली रीएब्जॉर्बल हो जाता है इसके बाद लूप ऑफ हैंडले के डिसेंडिंग लिफ में वाटर एब्जॉर्ब होता है वाटर रीअबॉर्ब होता है जबकि इसके असेंडिंग लिम में एन ए सी एल यानी कि सोडियम एंड क्लोराइड का एबजॉर्प्शन होता है और डी सी टी में सॉल्ट एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लूप ऑफ हैनले के असेंडिंग लिम्फ में वाटर का रीएब्जॉपन नहीं होता है इसलिए असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैनले इज इनपर्मेबल टू वाटर तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन है लूप ऑफ हैनले टेक्स पार्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लूप ऑफ हैनले में किसका एबजॉप्शन होता है पोटेशियम ग्लूकोज वाटर या फिर यूरिया तो हमने देखा था लुपोफेले के डिसेंडिंग लिम्फ में वाटर का रीएबजॉप्शन होता है एंड इसके असेंडिंग लिम्प में एनए का एब्जॉर्प्शन होता है तो यहां ऑप्शन दी है पोटेशियम ग्लूकोज वाटर एंड यूरिया तो हमारा आंसर यहाँ पे सी वाटर द मैक्सिमम री एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सबस्टांसेस बैक इन द ब्लड फ्रॉम फिल्टरेट इनफ्रोन अकर्स एन यानी कि यूजफुल सब्सटेंसेस का मैक्सिमम रीऐब्जॉर्प्शन नेफ्रोन के किस पार्ट में से होता है पी सी टी लुपोफेनले डी सी टी या फिर कलेक्टिंग डक्ट तो हमने देखा था नेफ्रोन के पी सी टी में नियर अबाउट सिक्सटी फाइव परसेंट रीऐब्जॉर्प्शन होता है जिसमें कि ग्लूकोस अमाइनो एसिड विटामिन्स एंड एंजाइम का कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए सी जिसमें कि सबसे ज्यादा री एब्जॉपन होता है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेट फ्रॉम किडनी इनमें से कौन सा हार्मोन किडनी से सीक्रेट होता है ए एन एफ इरेप्थ्रोपोयटीन रेनिन या फिर एल्डोस्ट्रॉन तो आंसर है बी इरिप्थोपोटीन यह एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है जो कि इरिप्थ्रो इरेपोसिस यानी कि आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड हैंस जी एफ आर इनमें से कौन डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ने के यानी कि जी एफ आर बढ़ने के एल्डोस्ट्रॉन ए एन एफ एनजोटेंसिन सेकेंड या फिर रेनिन देखिए जब हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है तो हमारा जे जी एन सेल्स फ्रॉम अफ्रेंट आर्ट्रियोल अफ्रेंट आर्ट्रियोल से रेनिन हार्मोन सीक्रेड होता है रेनिन हार्मोन सीक्रेट होता है यह रेनिन हार्मोन एंजियो टेंसिनोजन टेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है जो कि फर्दर एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है और इस पूरे मैकेनिज्म को रास तो हमारा आंसर यहां पे होगा सी एनजीओटेंसन सेकेंड जो कि डायरेक्टली हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है यानी कि ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है इसके बाद द फंक्शन ऑफ रेनिन इज रेनिन का क्या फंक्शन होता है तो आप जानते हैं रेनिन एक हार्मोन है जो कि एनजियो टेंसिनोजन टेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन, एनजियोटेनसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है जो कि फाइनली ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे ए डिग्रेडेशन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन। अगला क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय। यूरिन की वॉल्यूम को कौन रेगुलेट करता है तो देखिए यूरिन की वॉल्यूम को दो हार्मोन रेगुलेट करते हैं जो कि है एल्डोस्ट्रोन एल्डो स्ट्रोन एंड ए डी एच जिनमें से एल्डोस्ट्रोन एड्रिनल कोल्टेक्स से सीक्रेट होता है एंड ये नेफ्रोन में सोडियम एंड पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है जिससे वाटर का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है एंड एडीएच हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रट होता है जो कि वाटर के रीएबजॉर्प्शन को बढ़ाता है यानी कि ये दोनों ही हार्मोन वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं जिससे यूरिन की वॉल्यूम कम हो जाती है इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे बी एल्डोस्ट्रोन एंड ए डी एच इसके बाद है द हार्मोन डेट प्रमोट्स रीऐब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एस तो इसका आंसर हम जानते हैं इसका आंसर होगा बी वैसोप्रेसिन किसी को ए डी एच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है अगला क्वेश्चन विच वन इज एन इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंट ऑफ रेन इन एंजोटेसिनोजन एल्डोस्ट्रोन सिस्टम यानी कि इनमें से कौन रास सिस्टम का इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंट है जेजीएसएल मैकुलर सेल इिप्थोपोटिन या फिर प्लाज्मा सेल तो आप जानते हैं फ्रेंट आर्टीओल के जे सेल से रेनिन हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि रास मैकेनिज्म में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इसलिए हमारा आंसर होगा ए जे जी एस सेल द सेल नेम्ड पोडोसाइट अकर इन पोडोसाइट सेल कहाँ पा जाती है तो इसका आंसर होगा बी आउटर वॉल ऑफ बोमेन कैप्सूल ये बोमेन कैप्सूल की आउटर वाल में पा जाती है और ब्लड से प्लाज्मा को अलग करती है क्योंकि आप जानते हैं हमारे नेफ्रोन में प्लाज्मा नहीं आता है इसके बाद यूरिन इज हाइपरटोनिक इन बोमेन कैप्सूल इन पी सी टी इन द मिडिल ऑफ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिप ऑफ लुपोफेले या फिर एट द एंड ऑफ असेंडिंग लिंप ऑफ लुपोफेले और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है थैंक यू